नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। अभी तक हमारे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। मैं आज आपको दिखा दूंगा, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा टूल 2020 ईयर्स 2020 का ये टूल है। मतलब टूल तो पहले का भी है, पर मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, हमेशा अपडेट आपको सॉफ्टवेयर में बने रहने, जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आपको हमेशा अपडेट बने रहने की ज़रूरत है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो के बारे में बताते हैं। आज का वीडियो है दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, आज मैं एक टूल लेके आया हूँ जो कि बहुत ही अच्छा टूल है, जिसमें कोई भी आपको डोंगल्स नहीं लगाने हैं। ये ऑनलाइन सर्वर से चलता है, और ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको हम बता देंगे। बस इसकी आपको सर्वर लेना होता है, इसमें कोई सा भी डोंगल यूज़ नहीं करना है, कोई सा भी आपको यूएसबी पोर्ट कुछ भी यूज़ नहीं करना है, बस आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, कर सकते हैं बहुत इजीली। तो चलिए मैं इस टूल के बारे में बताना चाहूँगा। ईएमटी या ईएमई टूल बोलते हैं इसको, इसको ईएमटी टूल या ईएमई टूल बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका हम सेटअप कहाँ से डाउनलोड करें, तो सबसे पहली बात तो हम इसको यही बताते हैं फ्रेंड्स को, आपको यहाँ सेटअप कैसे डाउनलोड करना है। इसको सेटअप डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बताऊँगा, इसके सेटअप डाउनलोड करने के लिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो हमें इसका टूल को डाउनलोड करना है, तो आपको लिखना है सिंपली EMT टूल, आपको EMT टूल लिखना है। फ्रेंड्स, आप EMT टूल लिखेंगे, और EMT टूल लिखने के बाद मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ आपको, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे नहीं छोड़ रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये देखिए, आप EMT के वेबसाइट पर चले जाएंगे, आपको यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दे रहा हूँ, ये आपका हो गया EMT टूल। ये आप जो डाउनलोड्स पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको डाउनलोड्स पे आना है, और ये आपके गूगल सोर्सेस, मीडियाफायर सोर्सेस, आप इन सोर्सेस से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये विंडोज 7, विंडोज 10 और 32, 30, 64 बिट्स पे वर्क करता है। तो आप इसमें गूगल और मीडियाफायर, ये सारी इसमें आप चला सकते हैं। ये सोर्सेज है इस टूल को डाउनलोड करने के लिए। इसका वर्जन चल रहा है 2.11, ये इसका वर्जन चल रहा है फ्रेंड्स। चलिए, इस टूल को डाउनलोड करने के बाद आपको ये टूल मिल जाएगा, आप उसको रन कर देंगे फ्रेंड्स, एक जिप में आएगी। जिप में आने के बाद, अनजिप करने के बाद, तो आप उसको इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट टूल से भी कर सकते हैं। तो जैसे आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको कोई भी वीडियो स्किप नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज फुल डिटेल कर रहा हूँ। इसमें आप अपना यूजर नेम जो आप उसमें चलाना चाहते हैं, और इसमें आप पासवर्ड डाल दीजिए अपने अनुसार, और ये कोड वेरीफाई आपको यहाँ पे करना है, साइन अप करना है, क्योंकि पहले तो आपको साइन अप करना है, उसके बाद आप साइन इन करेंगे। इसके बाद अपना यूजर नेम जो भी आप डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, और इसमें अपना पासवर्ड डाल दीजिए फिर से दोबारा, और इसमें अपना ईमेल एड्रेस डालना है, एक्चुअली जो आपका जेन्युइन ईमेल एड्रेस होगा, और ये सबमिट कर देना है। और आपका ईमेल एड्रेस और केवल आपकी यूजर आईडी ही आपको देना है, अगले वहां पे देना है जहां से आप इसको एक्टिवेट कराएंगे फ्रेंड्स। चलिए, अब इसके बाद हम आपको बताते हैं इस टूल को खोल करके। चलिए, इस टूल को खोलते हैं फ्रेंड्स। आप इसको मैन्युअली डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो जीमेल है और आपका जो यूजर पासवर्ड है, आप उनको देना है, जहां से आपको वो परचेज करना है, आपको वहां से वो परचेजिंग करनी है। उसके बाद आपका वो लॉगिंग जनरेट हो जाएगा, आपका वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड। बहुत अच्छा टूल है ये, और ये वर्क बहुत अच्छा कर रहा है। इसके लिए अभी मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी डालूंगा इन फ्यूचर, आगे भी प्रैक्टिकल वीडियो डालूंगा, अभी कोई भी प्रैक्टिकल वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। अभी मैं केवल टूल को इंट्रो करा रहा हूँ आपको, कि टूल के इंट्रो के बारे में बता रहा हूँ। आप यहाँ से भी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, आप यहाँ से भी पासवर्ड बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, अपना अकाउंट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये मेरी आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है, अब बस इसको मैं लॉगिंग करना है फ्रेंड्स। आप जब तक ये काम नहीं करेगा, जब तक कि आप इसको किसी भी अथोराइज अकाउंट लेकर के इसको लॉगिंग नहीं कराएंगे। चलिए हम इसे लॉगिंग करते हैं। जैसा हमने इसको लॉगिन किया फ्रेंड्स, आप देखते हैं हमारा ये लॉगिन हो चुका है, लॉग आउट और चेक अकाउंट्स के बारे में सारी डिटेल्स आ रही है, ये हमारा लॉगिन हो गया। इसमें बहुत सारे टैब हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टैब हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सौमी, ओप्पो, वीवो, कॉलकॉम, MTK, एंड्रॉयड, क्योंकि हमारा फोन एक एंड्रॉयड भी होता है। तो चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब मैं देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये होम पेज आ गया, यहाँ पे आपका लॉगिन हो चुका है बहुत पूरी तरीके से। अब सबसे पहले हम सौमी में आते हैं। तो सौमी में फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सौमी में बहुत सारे मॉडल एड हैं, जो भी करेंट के लेटेस्ट हैंड मॉडल हैं, सारे मॉडल A to Z मॉडल अभी इसमें एड हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे MI 6X6 और आपका 5, 8, 9 और आपका 9A। इसमें सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता दूँ, इसमें जो आपका Redmi 6A है,
जो आपका इसमें देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत सारे मॉडल्स में ऐड है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, आप खुद ही दिख रहा होगा आपको सारी चीजें, 3S Prime, 5A, 5A की सारी चीजें यहाँ पे है। आप 5A का ईडीएल मोड पे आप इसमें देख सकते हैं, रेडी इन्फो कर सकते हैं, फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रिसेट, FR पे रिसेट कर सकते हैं, इसकी सारी चीजें आप कर सकते हैं इसमें। MI अकाउंट होता है, MI अकाउंट आप बहुत इजीली तरीके से रिमूव कर सकते हैं, सारी चीजें आप फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, डिसेबल स्क्रीन लॉक सारी चीजें, रिसेट स्क्रीन लॉक, ये आपकी सारी चीजें, ये आपका पूरा मैं दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से फ्लैश भी कर सकते हैं, आप यहाँ से अपनी फाइल को देंगे, आपकी फाइल के द्वारा ये फ्लैश भी हो जाएगा 110%। बहुत अच्छा टूल ये आया है, बहुत अच्छा टूल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो भी है। तो अब ये देख सकते हैं 5A 6A जो कि हम बात करते हैं, जो आपकी ऑथराइज अकाउंट लेता है इसमें 6A 7A, बहुत सारे नोट Y1 Y2 बहुत सारे मॉडल इसमें ऐड है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा सारी चीजें। ये देखिए इसमें 6A जो कि ये ऑनलाइन होता है, जो ऑनलाइन ऑनलाइन करते हैं आप, इसकी FRP बहुत ही इजी तरीके से फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से इसकी फैक्ट्री सेट कर सकते हैं। आप यहाँ से 6A को फ्लैश कर सकते हैं, इसमें कोई भी क्रेडिट आपको नहीं देनी पड़ेगी, आप इसको इजिली आप हटा सकते हैं, इसको फैक्ट्री रिसेट आप बहुत ही इजिली तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब हम और भी एक दो सेट आपको दिखा देते हैं। ऑटो डिटेक्ट करेगा इसमें आपका वैल्यूम अप डाउन करके, ईडल कनेक्ट, ये आपको बता भी रहे हैं कि किस मोड में आपको कनेक्ट करना है, वैल्यूम अप और डाउन दबा के आपको USB केबल से कनेक्ट करना है फोन को। तो चलिए अब 6A 7A के बारे में, न्यू सिक्योरिटी के बारे में बात कर सकते हैं, FRP रिसेट कर सकते हैं, आप कई फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड। जो कि 6A ऑनलाइन सेट है, ऑनलाइन सेट को आप ऑफलाइन फ्लैश कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये टूल बहुत ही मजेदार टूल है फ्रेंड्स, आपको आई होप बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख सकते हो ओप्पो, ओप्पो में देखते हैं मॉडल कितने सारे मॉडल हैं। ओप्पो में ये देखिए बहुत सारे मॉडल इसमें ऐड है, इवन बहुत सब सारे मॉडल मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, बहुत सारे मॉडल्स हैं यहाँ पे, Neo 7, Neo 9, A37, A51, लगभग सारे मॉडल्स हेड है इसमें, A71, A79, A F3, F57 और इसमें F5, A71, Y83, Y35, ये देखिए सारे मॉडल इसमें, F1 एंड यहाँ तक कि यहाँ पे R15, A3, A7, A9, K9, बहुत सारे मॉडल हैं फ्रेंड्स में, मतलब लगभग पूरे मॉडल इसमें आपके ऐड हैं, जिसमें आप इजीली इसको वर्क कर सकते हो, बहुत ही अच्छा काम करेगा यहाँ पे। F9 तक के, R9, F9 और इसमें रेनो के भी फोन मैंने देखे थे, रेनो के भी मॉडल इसमें ऐड है। अब इसको एक बार आपको प्रैक्टिकल वीडियो में दूंगा, पहले तो मैं टूल के बारे में इंट्रो करा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे R सीरीज है, R सीरीज के जो भी फ़ोन आते हैं यहाँ पे ओप्पो से रिलेटेड, आप R11 प्लस, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए रेनो सीरीज भी यहाँ पे है, रेनो 2, रेनो जेड और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, बहुत मतलब बहुत ही कमाल का ये टूल है फ्रेंड्स, आप इसको देखिए, A7, R17, F, बहुत सारे मॉडल इसमें ऐड हैं, तो इसको आप बिल्कुल वर्क कीजिए। F5 यूथ 71 आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ का आप सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हम वीवो की बात करते हैं, वीवो में भी बहुत सारे मॉडल्स इसमें ऐड हैं, मैं मॉडल्स वीवो के दिखाना चाहूँगा आपको। वीवो के आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप वीवो के हर एक मॉडल, S3, S1 जो लेटेस्ट हैंडफोन है, S3 प्लस, S6, S12, ये सब अभी नए के हैंडसेट। S1 पूछते हैं सर मैं S1 कहाँ से करूँ, S1 को ऑनलाइन है, जितने भी ऑनलाइन वाले सेट है, ऑफलाइन आप बहुत इजी तरीके से आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्लैश का टैब है, सर्विस का टैब है, यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं, आप इन टैब्स को क्लिक करके आप उनका इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। S1 ये टूल जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा और भी कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे, S9 को आप देखिए फैक्ट्री सेट कर सकते हैं, आप उसके FRP हटा सकते हैं बहुत इजीली तरीके से, रेड इन्फो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये टूल बहुत ही अच्छा है, V11 Pro, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बोल भी रहे हैं कि आपको ईडीएल पोर्ट चाहिए, ये आपको पोर्ट भी बताएंगे किस मोड में हमें फ्लैश करना है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। V5, V3, V7, V9, V9 Pro, सब X11, सारे मॉडल्स इसमें वीवो के भी फ्रेंड्स ऐड हैं। Y सीरीज की बात करें तो Y सीरीज Y21L इसमें आप देख सकते हैं, Y3, Y31, ये जो भी नए मॉडल हैं यहाँ पे सारे मॉडल इसमें, Y71 आपका ईडीएल मोड पे काम करेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फैक्ट्री रिसेट जो भी आपको करना है बहुत ही ईजिली तरीके से आप इसको रिमूव
कर सकते हैं, Y71, Y93, Y97, आपके सारे मॉडल्स इसमें ऐड हैं, HZ3 सारे मॉडल इसमें फ्रेंड्स ऐड हैं। आप बहुत अच्छा टूल है, इसे आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम क्वालकॉम की बात करते हैं, तो क्वालकॉम में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपका सीपीयू क्वालकॉम होगा फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं, कोई भी आपको डोंगल यूज नहीं करना है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी डोंगल्स नहीं लगाने हैं। जैसे जो फोन आपके EDL मोड या फास्ट बूट मोड में चले जाते हैं, EDL टू फास्ट बूट मोड पे लाना है, बूट EDL टू ADB मोड पे लाना है, ये सारी चीजें आप यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं, रिबूट टू। अब आप ये देख सकते हैं MTK का भी आप स्कैटर फाइल आप यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं, DA फाइल, auth फाइल, और यहाँ पे सारी चीजें आप यहाँ से भी फ्लैश कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसके FRP भी हटा सकते हैं और इसे फैक्ट्री रिसेट भी कर सकते हैं। आप इसको फ्लैश भी कर सकते हैं स्कैटर फाइल दे करके, अनलॉक कर भी कर सकते हैं, इसमें सारी चीजें आप रिसेट, स्क्रीन लॉक आपका नहीं होता है, तो आप यहाँ से सारी चीजें आप यहाँ से हटा सकते हैं। फ्रेंड आपका फोन एक एंड्रॉयड भी होता है, एंड्रॉयड में रीड इन्फो, आप ADB मोड और फास्ट बूट मोड पे, दो मोड पे भी आप वर्क कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो ये टूल बहुत ही अच्छा है, मैं इसका एक प्रैक्टिकल हर एक फोन का डालने वाला हूँ आपके सामने, जो मैंने इसका डाला हुआ है इसका मैं विथ प्रैक्टिकल आपको दूंगा, इसके प्रैक्टिकल टूल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।